स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों एक नई वीडियो में। और जैसे कि रोजाना की सुबह की तरह लॉकडाउन में एक नई सुबह ऊपर आना, रूम में पढ़ाई करना एंड थोड़ा सा लेन साफ़ कर लेता हूँ, गंदा हो रहा है क्योंकि साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। और अब हम करेंगे माइक की टेस्टिंग, माइक चेक मोबाइल में लगाकर भाई आवाज़ सही आ रही है या फिर सही नहीं आ रही। ओके सही आ रही है। एंड हम बात करेंगे हमारे रूम की लोकेशन आप देख सकते हो, दिस इज़ माई रूम। रूम पे मत जाइएगा क्योंकि इसका काम हुआ था लॉकडाउन के पहले, तो लॉकडाउन की वजह से जो है इसका काम अटक गया है। अभी कुछ दिनों में इसकी जो है पूरी पोजीशन पूरी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अब उठा लिए मैंने ईट, आ रहे हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। चलो गाना बंद कर देता हूँ नहीं तो कॉपीराइट आने में टाइम नहीं लगेगा। पंखा भी बंद कर देता हूँ, एक्चुअली आवाज़ अच्छी आएगी तभी तो आपको मज़ा आएगा। एंड हम करते हैं शुरुआत हमारे एक्सरसाइज की। एक्चुअली आपके घर में जो भी चीज़ें आप उन चीज़ों का यूज़ कीजिए अपनी हेल्थ को सही रखने में, क्योंकि कोरोना तो बहुत तेज़ी से फैल ही रहा है, कहीं आप ना फैल जाए कोरोना की तरह। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। मेरे जो भी इक्विपमेंट्स थे एक्सरसाइज के वो जयपुर रह गए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं, ओहो क्या क्रिएटिविटी है सलीश की, एक हाथ से दूसरे हाथ में। तो जो भी चीज़ों का उपयोग कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, सभी जयपुर है मेरे सामान। और अब आप सुनिए कुछ हमारी बातें, सलीश आ रहा है आपके पास में। सो आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो इसको आप जानते हो ये ईट। जब हमारे टाइम अभी चल रहा है कोरोना और आप तो जानते हो कि जिम भी बंद है, इसके अलावा मेरे इक्विपमेंट्स जो एक्सरसाइज के थे वो जयपुर ही रह गए, तो अभी एकमात्र सारा सिर्फ यही बचा है क्योंकि खुद को फैलने से रोकना है, तो ये हमारी अभी हेल्प कर सकता है। चलिए बहुत हुआ भाषण सुन लिया आपने, अब नहा लिए हम एक्सरसाइज के बाद में। थोड़ी सी कसरत के बाद जब नहाते तो क्या फीलिंग आती है वो तो आप सभी जानते हो, मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बाइसेप्स नज़र मत लगाना, मैं जानता हूँ थोड़ी ठीक ठाक अच्छी बाइसेप्स से कर रहा है कोशिश, थोड़ा सा पेट निकला हुआ तो उसके लिए भी जो है मेहनत जारी है हमारी। उम्मीद है बहुत ही जल्द अच्छी बॉडी हमें मिले। गर्मी बहुत है तो इसका तो एक उपाय मात्र सिर्फ फ्रिज ही होता है, फिर में से ठंडी बोतल निकाली और पानी हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी एकदम चिल। तो चलिए कुछ करते हैं बातें, आइए सुनो ये। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके कैमरा वैमरा सब सही। एक्चुअली जिसने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि आपका जो ट्रैफिक है वो मेरे तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैंने मेरे यूट्यूब स्टूडियो में जब एनालिटिक किया मेरे चैनल की ग्रोविंग का, तो मुझे पता चला कि ये बहुत स्लो है, मतलब कुछ स्लो हुई है पहले से ज़्यादा। क्योंकि बात करेंगे हम हमारे YouTube चैनल की वीडियोस के बारे में, या फिर आपके YouTube चैनल की वीडियोस के बारे में, या फिर किसी भी YouTube चैनल की वीडियोस के बारे में, तो YouTube की एक पॉलिसी है कि आपको वीडियोस को जो है कंटिन्यू अपलोड करना पड़ता है अपने YouTube चैनल पर। सप्ताह में कम से कम 2 से 3 वीडियो निकालना ज़रूरी है, नहीं तो YouTube जो है आपकी वीडियो को सजेशन करना बंद कर देगा और उसको रिकमेंडेशन में डालना बंद कर देगा। तो कम से कम सप्ताह में जैसे 2 से 3 वीडियो ज़रूरी होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो महीने महीना गैप दे देते हैं, महीने में एक वीडियो, 2 महीने में एक वीडियो, तो उसका यूट्यूब चैनल की जो ग्रोविंग होती है वो बहुत स्लो हो जाती है और उस पर चैनल पे जो ट्रैफिक आता है वो चैनल भी जो है एक तरह से बंद हो जाता है, और ट्रैफिक आना उस पर बंद हो जाता है, तो एक तरह से उसकी ग्रोविंग बहुत बुरी तरह रुक जाती है और बहुत मतलब इफ़ेक्ट बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उस चैनल पर। तो YouTube की एक अभी नई पॉलिसी भी है कि आप जैसे नए YouTube चैनल आपने जो है अपडेट किया है बनाया है, तो आपको YouTube एक तरह से हेल्प करेगा, प्रोवाइड करेगा उसको सजेशन देने में, वीडियोस को रिकमेंडेशन देने में वीडियोस को। वो पुराना YouTube चैनल को अवॉइड करता है और नए YouTube चैनल को प्रमोट करता है, क्योंकि वो सोचता है कि हमें जो नए हमारे YouTube चैनल पर जो आए हैं कंटेंट क्रिएटर उनको मौका देना चाहिए। और अगर आप ओल्ड यूट्यूबर हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यहाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आपको वीडियोस निकालना ही पड़ेगा सप्ताह में 2 से 3, तब जाके आपकी कंटिन्यूसता बनी रहेगी और आपके चैनल पर जो ट्रैफिक आएगा और आपके चैनल पर जो है सब्सक्राइबर आएंगे। तो मैंने भी जो है मेरा बनाया है एक सिस्टम कि सप्ताह में कम से कम एक वीडियो तो अपलोड करनी है इसी, लेकिन मैं इसको फिर अपग्रेड करता हूँ और अब मेरी फुल कोशिश रहेगी कि सप्ताह में 2 से 3 वीडियो मैं निकालूँ, चाहे कोई सी भी कंटेंट लाऊँ, चाहे यार कैसा भी कंटेंट मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर लाऊँ, बट रहेगा तो वो व्लॉगिंग से रिलेटेड ही, क्योंकि चैनल मेरा है व्लॉगिंग से रिलेटेड, तो एक्चुअली मुझे व्लॉगिंग से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड यहाँ पर करनी पड़ेगी। आज कुछ नया मैंने ट्राई किया था, अभी आपने फर्स्ट में देखा बैकग्राउंड मेरा जो म्यूज़िक है मैं बोल रहा हूँ वो मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस रहा है। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा ये, कुछ नया ट्राई करने की मैंने कोशिश की थी, तो पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी।
बहुत सारे मेरे दोस्त है जो चैनल खोल रहे हैं, उनकी भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। बहुत सारा जो है उनका अभी सोच विचार चल रहा है और बहुत सारों ने जो बना भी लिया है और कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। गर्वित अग्रवाल मोटिवेशनल चैनल मेरा दोस्त है, एक उसने बनाया है। इसके अलावा मैं हमारे सारे डेनी राइडर एंड हमारे मनोज सर एंड हमारा दीपक भाई वरियर म्यूज़िक प्रोडक्शन एंड हमारे रिशु भाई, तो बहुत सारे जो है उन्होंने हेल्प की है मेरी और मैंने भी उनकी की है हेल्प यूट्यूब से रिलेटेड। तो एक तरह से कॉम्बिनेशन बन गया है, एक तरह से ग्रुप बन गया है हमारा यूट्यूबर्स का, जिसमें हम एक दूसरे से बातें करते हैं, शेयर करते हैं और कुछ जो है हमें मुश्किल आती है तो हम एक दूसरे से बातें करके उसका सॉल्व आउट करते हैं। तो आपको भी कुछ मुझसे मदद चाहिए यूट्यूब से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जो है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगी मैं वो करूँगा, कोशिश करूँगा आपकी YouTube चैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। एंड ये थी आज की वीडियो, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी वीडियो, कुछ आपको पूछना हो, कुछ आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।